हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज खुशबू. और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं गेट रेडी विद मी फॉर राखी. बिकॉज आई नो कि अभी राखी आने में टाइम है, एटलीस्ट 10 दिन तो है ही. बट द रीजन बिंग इज कि मैंने इसलिए जल्दी बनाया था कि इस वीडियो में से अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो और आपका वो खरीदने का मन हो तो आप इजीली परचेज कर सके. ऑल्सो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आउटफिट, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल, मेकअप एंड ऑल. सो या हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सो मेकअप मैं बहुत सिंपल रखने वाली हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि राखी पे हम बहुत सिंपल मेकअप रखते हैं. राइट, दिस इज द आउटफिट आई एम गोइंग टू वियर एंड दिस वन इज फ्रॉम मिंत्रा. मैं पूरा जो आउटफिट है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगी. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस फिट मी फाउंडेशन. मैंने इतना सा अमाउंट लिया है. सो ये जो फाउंडेशन है ना, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आने लगा है ना क्योंकि मैंने ये रिसेंटली खरीदा है और इसका जो टोन है ना वो मेरे स्किन टोन से इतना ज़्यादा मैच करता है ना कि मैं बिल्कुल एकदम मिक्सडअप हो जाता, लगता ही नहीं है कि मैंने फाउंडेशन लगाया. सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे इससे प्यार हो गया, इसकी कंसिस्टेंसी से प्यार हो गया. इतने ईजिली ये ब्लेंड हो जाता है ना स्किन के साथ. एंड सेकेंड इज़ दिस कंसीलर सैंड 20 या, और ये भी ख़त्म होने वाला है. आई शेडो मैं कभी ज़्यादा करती नहीं थी, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने एक दो वीडियो में किया है. उसके बाद उससे ना मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है. होता है ना कि कभी आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हो और वो आपको सडनली बहुत अच्छी लगने लग जाती है. बहुत मज़ा आने लगा है ऐसे आई शेडो नए नए ट्राई करने का. ओके, सो मेरी ड्रेस से मैच करती हुई इसमें बहुत सारे कलर्स है. एज यू कैन सी हेयर हेयर दिस दिस दिस. सो व्हाट आई एम थिंकिंग, कुछ तो ट्राई करता हूँ. So this one is the bare shade. Okay, next I'm going to use Charmed. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस कोल पेंसिल काजल इन द शेड कॉफी ब्राउन. आई शेडो तो लगा लिया है और उसके बाद मैं सिर्फ कोल पेंसिल काजल से आई लाइनर लगाऊंगी, उसको स्मच करूंगी एंड देन मैं नीचे काजल लगाऊंगी. ओके, नाउ वी विल next I'm going to use this setting powder which I got from Mars Cosmetics. मैंने पोजीशन थोड़ी सी कैमरा की चेंज कर ली क्योंकि उस साइड पे लाइट बहुत आ रही थी और जो मैं मेकअप कर रही थी वो बिल्कुल नहीं दिख रहा था. लिप क्रियॉन इन द शेड एमा वुड हाउस विच आई गॉट फ्रॉम Amazon. Next, I'm going to use this mascara from Colourbar. Can you see the difference? It's magic, it's magic. Mm-hmm.
ओके सो मेकअप इज डन, नाउ लेट्स मूव टू द हेयर स्टाइल. ओके सो हेयर स्टाइल के लिए मैं सोच रही हूँ कि एक बन बना लूँ. सो ऐसे बालों को पूरा ले जाके देन आई वॉन्ट टू मेक स्मॉल छोटा सा क्यूट सा पीछे बन. ऐसा बन मैंने दीपिका पादुकोण को बहुत बार देखा है करते हुए, लाइक जब भी वो नारकली टाइप का सूट पहनती है तो वो ऐसे अपना बन बना देती है एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. बट ऑफकोर्स वैसा तो ये नहीं बना है, लेकिन हम थोड़ी सी और कोशिश करते हैं उसको वैसा बनाने का. ओके सो मैं क्या करूँगी ना, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करके यहाँ पे कुछ पिंस अटैच कर लूँगी ताकि ये थोड़ा सा पफी टाइप हो जाए, कुछ ऐसा. ओके सो आई एम डन विद माई हेयर स्टाइल. That's it for the video guys and I will make sure to mention all the links in the description box so that aap log jaake khareed sake. And yeah, this whole outfit is from Myntra. These jewelries are from Arya Abhira, jiski video bhi aane wali hai bahut jaldi ki maine kya kya jewelries hai wahan se khareedi hai. So this is a very beautiful brand, they have beautiful collections, so just go and check it out.